क्वेश्चन 23 को देखिए, हमें लगता है कि भाई ये तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है, पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन x ब्रैकेट x की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्म भी है, जहां पर हम x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। तो वो शॉर्ट मेथड है, उसी से करके देखते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन x, x स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और dx। तो ऐसा लिखने के बाद अब देखो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएंगे, x की ऊपर आ गया, x की पावर माइनस 3 और 1 प्लस x की पावर माइनस 2 dx। तो इससे हम पार्शियल फ्रैक्शन करने से बच गए, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है। तो 1 प्लस x की पावर माइनस 2 को t, तो माइनस 2 x की पावर माइनस 3 dx इज dt, x की पावर माइनस 3 dx इज dt बाय माइनस 2, इसका मतलब है dt बाय माइनस 2 1 बाय t, माइनस 1 बाय 2 log t mod प्लस c, माइनस 1 बाय 2 log t means 1 प्लस x की पावर माइनस 2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब आंसर में अरेंजमेंट भी हो सकते हैं कई सारे, जैसे देखो जरा इसको लिख दिया जाए माइनस 1 बाय 2 log 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, अब इसको लिखा जाए log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस c तो रह गई, और फिर लिखा जाए माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, इसके ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा इसके बाद कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। लॉग की सिंपल प्रॉपर्टीज अप्लाई होती जाएंगी इसमें।